सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को जो है सैमसंग गैलेक्सी S10 में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक सिंपली सा मोबाइल है, मोटो E4, आप देख सकते हैं, मोटो E4 नहीं मोटो E2 है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको जो है सैमसंग गैलेक्सी S10 में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे मोबाइल को पहले चेक कर लें। मेरा मोबाइल अभी देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 5.1 है और मोटो E2nd जनरेशन विथ 4G LTE। तो अभी आप ये देख सकते हैं सही। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने मोबाइल को सैमसंग गैलेक्सी S10 में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा सबसे पहले, जो कि आप प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए जो है मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर सर्च करना होगा मुझे इधर सैमसंग गैलेक्सी S10। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने तो सैमसंग S10 लॉन्चर पे क्लिक कर दिया है, और सैमसंग S10 लॉन्चर जो है पहला वाला आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद जो आप इधर इसकी जो है रेटिंग देख सकते हैं, आप इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 4.5 की इसकी रेटिंग है और 33K रिव्यू इसको हैं, जो कि बहुत ही काफ़ी हैं इसके लिए। और ये सिंपली 4.2 MB का जो एप्लीकेशन है, और इसके डाउनलोड्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, 1 मिलियंस मतलब 1 करोड़ डाउनलोड्स इसके आए हैं। तो चलिए मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इसको इंस्टॉल करना है सबसे पहले, एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं इधर से, और ये देख सकते हैं आप इधर से इंस्टॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 का लॉन्चर मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, जो कि अभी हमने डाउनलोड किया। ये आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। एक ये एप्लीकेशन बहुत ही छोटी सी है, मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया है। तो मैं इसको ओपन करने के लिए इस पर क्लिक कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ जिस तरह से है, गैलेक्सी S10 लॉन्चर स्टाइल फॉर एंड्रॉयड। और आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की सेटिंग किस तरह से हो गई और देन इसके चेंज हो गए, और जैसे आपको डन पे क्लिक करना है। और अभी आपके सामने जो, और अगर आपके सामने कुछ इस तरह से आए तो आपको जो है सिंपली गैलेक्सी लॉन्चर पर क्लिक करना है और इसको जो है यूज़ करना है सिंपली। अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्क्रीन है इसकी, और पूरा ये सैमसंग गैलेक्सी S10 की तरह ही है चलने में भी और हर कुछ काम वाम करने में। तो चलिए मैं आपको इसको एक दफ़ा और बता देता हूँ कि इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा। और अगर ये आए आपके सामने तो आपको सिंपली ऑलवेज पे क्लिक करना होगा, और ऑलवेज पे क्लिक करने के बाद जो आपके सामने से वो गायब हो जाएगा। तो इधर से मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये कंप्यूटर की तरह है थोड़ा बहुत, तो इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से जो मूव कर सकते हैं आइकन्स को। तो इधर से आप देख सकते हैं, और इसकी आपको वो सारे ऐप्स जो हैं, मोर ऐप्स जो हैं, आपको स्क्रीन को आपकी साइड पे ड्रॉप करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे सामने आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप देख सकते हैं इधर से आपको सर्च बार में कुछ सर्च भी कर सकते हैं, जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी S10 में होता है। तो इधर से मैं क्रोम सर्च कर लेता हूँ अपना। तो ये देख सकते हैं मैंने क्रोम सर्च किया और मेरे सामने क्रोम आ गया, और ये देख सकते हैं आप किस तरह से बिल्कुल 100% सैमसंग गैलेक्सी S10 की तरह जो है ये वर्क कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।